गांधीग्राम में स्थित पूर्णा नदी के ऊपर बने पुल पे आई दरार के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, अकोला अकोट मार्ग पूरी तरह बंद किया गया। आपको बता दें लगभग 100 साल से अधिक पुराना ये पुल ब्रिटिश काल में बनाया गया था और जानकारी के मुताबिक लगभग 30 साल से अधिक समय से इस पुल की अवधि समाप्त होने का पत्र प्रशासन को दिया गया है। कई बार नागरिकों द्वारा इस पुल के दोबारा निर्माण कार्य करने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज अकोला अकोट मार्ग पूरी तरह ठप होने की वजह से इस मार्ग से जाने वाले सभी यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही किसानों को सबसे ज्यादा समस्या पुल के बंद होने से हुई है। नागरिकों में प्रशासन को लेकर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है और जल्द ही समस्या का समाधान प्रशासन करे, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। गांधीग्राम का ये पूर्णा नदी का जो पुल है, ये ब्रिटिश कालीन पुल है, 100 साल से भी पुराना पुल है। कल सुबह में यहाँ पे कुछ स्थानिक नागरिक, यहाँ के गांधीग्राम के और हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो है मजदूर लोग, उन्हें यहाँ पे कुछ क्रैक्स और ऊपर में सैक का ऑब्जर्व किया। यहाँ पे मैं चौनखेल बुजुर्ग चौटा से 10 किलोमीटर आगे है, यहाँ से मैं नेर मार्ग इधर आया 25-30 किलोमीटर से फेरा लेके। मैं खेत में काम कर रहा था 10-12 बजे तक, हवारा था मेरा स्प्रे, कपासी से स्प्रे था मेरा। मैं देखने के लिए इधर आया, गाड़ी इधर रखी, बहुत तकलीफ हो रही। अकोला के गांधीग्राम में मौजूद है, जहाँ ये जो पुल था, ये पुल अकोला अकोट को जाने के लिए रास्ते के लिए, ये सिर्फ एक ऐसा पुल है जिससे आवाजाही यहाँ होती थी, लेकिन जिस तरह कल यहाँ पर इस पुल के अंदर दरार आई है, इस पुल में डैमेज आया है, जिसकी वजह से सबसे पहले न्यूज़ हमने इसका अपने चैनल के माध्यम से बताई है और इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से यहाँ गंभीर नज़र आ रहा है और इस पुल को बंद करके यहाँ के इस पुल का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के नागरिकों का साफ तौर पर ये कहना है, ये आक्रोश उनमें नज़र आ रहा है कि इसके बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई और प्रशासन ने हमेशा अनदेखी की, लापरवाही की। हालांकि इसके बाद 5 किलोमीटर दूर एक पुल बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह उसको तैयार नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये पुल पूरी तरह बंद हो गया और अकोला अकोट मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो नागरिकों को तकलीफ हो रही है, जो समस्या हो रही है, इसके लिए साफ तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा कहना यहाँ के नागरिकों का है, यहाँ से जाने वाले नागरिकों का है। MKN के लिए मैं अंसार पठान के साथ शाहिद इकबाल, अकोला से।